मंत्री था, इस बहाने से आपको थोड़ी रिक्वेस्ट करने के लिए आपकी क्षमा मांगता हूं कि 406 प्रोजेक्ट 385,000 करोड़ के डिले प्रोजेक्ट थे और जिसमें 3,00,000 करोड़ से एनपीए बैंकों का हुआ था, पर आप सबके सहयोग से हमने जब इसको सुलझाया तो 3,00,000 करोड़ के एनपीए से भारतीय बैंकों को बचाया गया। तो कभी कभी सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में नॉट टेकिंग डिसीजन इज़ ए गुड करियर फॉर द ऑफिसर, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि डिसीजन करने से विवाद होता है, तो डिसीजन न करना ही अच्छा है ताकि मेरा सीआर अच्छा रहेगा। ऐसे भी बहुत लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, बट हमने एक बात कही कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। सो नेचुरली अभी काफ़ी इसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए, और अभी जब कैबिनेट में विशेष रूप से ट्रिब्यूनल्स और बाकी बातों की चर्चा हुई, तब अक्सर मैं लॉ मंत्री जी को और प्रधानमंत्री को कहते रहा हूँ कि भाई व्हाट एवर द डिसीजन मे बी, इट इज़ द राइट ऑफ द जुडिशियरी टू गिव द डिसीजन, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबडी, बट इसका टाइम लिमिट जो है वो होगा तो फाइनेंशियली देश को करोड़ों लाखों करोड़ के इससे बचाया जा सकता है। मैंने मेरे आप सामने ही बिकॉज ऑफ डिले टाइम के कारण देश की बड़े बड़े कंपनियां मिट्टी पीलित हुई वो आंखों से देखा है, और बाद में जब जिनको जस्टिस मिल गया, न्याय मिल गया सरकार से या जुडिशरी से, तब उनकी डेड बॉडी हो गई थी, वो ख़त्म हो गए थे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग हमारी ये सिस्टम में आप हमको, मैं कोशिश कर रहा था कि हमारे रोड इंडस्ट्री का, रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कोई चेयर यूनिवर्सिटी में बने, हमारी कंपनी लॉ की चेयर बने, और आने वाले समय में वर्ल्ड स्टैंडर्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस के साथ हमारा लॉ का भी नॉलेज और हमारी सिस्टम की अपग्रेड हो अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स।